गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस और BBVN. इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट. प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट पढ़ा था अपन ने. उसके बाद जो टॉपिक था अपना वो है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशंस. ट्रीटमेंट में अपन ने पढ़ा था रेड्यूस और फिर किल द माइक्रोब्स, दो टाइप पढ़े थे. प्रिवेंशन में भी बेटा जो ट्रीटमेंट का प्रिवेंशन है या कोई इन्फेक्शियस डिजीज का प्रिवेंशन है उसमें भी दो टाइप के प्रिवेंशंस दे रखे हैं. फर्स्ट जो है वो है बेटा जनरल प्रिवेंशन. जनरल प्रिवेंशन और जनरल प्रिवेंशंस में क्या आते हैं बेटा, देखिए सबसे फर्स्ट है पर्सनल हाइजीन. इट कैन बी डन बाय द पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन इज द इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. पर्सनल हाइजीन रखकर ही अपन जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं. इट कैन बी ऑल्सो डन बाई द अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट फूड. जो अपन कह सकते हैं प्लेंटी ऑफ फूड है ना, एडुकेट फूड है सबके लिए, है ना. कुछ मात्रा में जो फूड है वो सबके लिए अगर अवेलेबल है, पर्याप्त मात्रा में एडुकेट फूड जो है सबके पास है, तो भी वो प्रिवेंशन में आता है ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़. ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं जो एयरबोर्न डिजीज़ है. तो एयरबोर्न डिजीज़ है, इट कैन बी डन और इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय द अवॉइड द क्राउडी एरियाज़. अगर क्राउडी एरियाज़ में ना जाएं, उनको अवॉइड करा जाए, तो जो एयरबोर्न डिजीज़ हैं उनसे प्रिवेंशन हो सकता है. फिर वाटरबोर्न डिजीज़, तो सप्लाई ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रिवेंट द वाटर बॉर्न डिजीजेस. अगर अपन सप्लाई करेंगे जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका सेफली अपने सप्लाई करा है, तो जो वाटर बॉर्न डिजीज है उनसे भी प्रिवेंशन हो सकता है. फिर है बाय द वेक्टर्स, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय द कीप इन्वायरमेंट क्लीन. अगर इन्वायरमेंट को क्लीन रखा जाएगा तो बेटा वेक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट नहीं करेंगे और अपन प्रिवेंट हो जाएंगे उनसे. ठीक है, फिर उसके बाद में बेटा एक स्पेसिफिक वे है. जनरल वेज में तो ये सब आ जाएंगे. ठीक है, दूसरा जो वे है प्रिवेंशन का वो है स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन. स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन, स्पेसिफिक वे में क्या आता है बेटा, इट कैन बी डन बाय द वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन. वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, देखिए बेटा इम्यूनाइजेशन क्या होता है कि वैक्सीन जो लगाते हैं, वैक्सीन्स है ना, वो किस पे फंक्शन है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर, है ना. एंटीजन क्या होता है बेटा, जो भी फॉरेन पार्टिकल है विच एंटर्स इनटू आवर बॉडी एंड इफेक्ट द योर एबनॉर्मलिटीज़ या फिर जो भी डिसफंक्शन है किसी भी ऑर्गन का या टिश्यूज़ का, है ना, वो कर देता है, तो वो इफेक्ट होता है बेटा जी एंटीजन और एंटीबॉडीज़. क्या होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसे कोई बैक्टीरिया है वो एंटर कर रहा है अपनी बॉडी में, तो वो क्या है बेटा एंटीजन है. उसके अगेंस्ट क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बनती है जिसकी वजह से वो उसको थोड़ा वीक कर सकते हैं. जो भी एंटीजन बाहर से आता है उसको थोड़ा वीक कर सकते हैं. वो बनता है बेटा जब एंटीबॉडीज़ बनती है, जब एंटीजन जो है वो एंट्रेंस करेगा किसी भी बॉडी में, तो उसके अगेंस्ट जो अपना इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है. और बनाता ही नहीं है, उसके अलावा उस इंसिडेंट को मेमोराइज भी रखता है कि अगर फ्यूचर में, इन द फ्यूचर अगर वही बैक्टीरिया या वायरसेस जो एक बार अटैक करा है बॉडी को, अगर फ्यूचर में करता है तो वो इंसिडेंट जो है उसको मेमोराइज रहता है. और जो भी चाहे कितना ही वायरस वो अटैक हो इन्फेक्शियस डिजीजेस का, लेकिन वो बिल्कुल भी अनइफेक्टेड रहता है, उस पर कोई जो है इफ़ेक्ट नहीं पड़ते. ठीक है, इम्यूनाइजेशन क्या हो गया भैया, इम्यूनाइजेशन में होता क्या है वैसे, जैसे वैक्सीन जो होते हैं उनमें क्या होता है, जो एक पैथोजन होता है, कोई भी बैक्टीरिया वायरसेस क्या है बेटा, पैथोजन है, तो उसके वीकन जो एकदम बिल्कुल से वीक पैथोजन जो होता है उसको इंटर कराया जाता है किसी भी बॉडी में. तो एंटर जैसे ही कराया, जैसे कि मान लीजिए बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को किसी ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट करा दिया, तो वो बाहर से गया है ना, वीक है वो, तो अपना इनएक्टिव कह सकते हैं, जिसको अपन इनएक्टिव भी कह सकते हैं, इनएक्टिव और वीक, तो वो अंदर जाएगा बॉडी के अंदर, है ना,
तो बॉडी में जाकर वो इनएक्टिव है, तो इन्फेक्शन तो स्प्रेड नहीं कर पाएगा, लेकिन वो एंटीजन तो है, बॉडी तो उसको एज ए एंटीजन क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है उसकी तरफ। तो एंटीजन के अगॉर्ड ये अपोजिट क्या बनते हैं बेटा जी, एंटीबॉडीज़ बनते हैं। तो एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे और उस एंटीजन के अगेंस्ट जब एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे तो वैसा ही एंटीजन अगर वो एक्टिव हो, तब अगर नेक्स्ट फ्यूचर में कभी भी ये इंसिडेंट होता है कि जो बैक्टीरिया है वो एंटर हो रहा है, तो जो एंटीबॉडीज़ बनी हुई है वो उसके अगेंस्ट काम करती है और बिल्कुल भी अनअफेक्टेड रहता है वो ऑर्गन, या उस जो भी डिजीज़ है उसके अगेंस्ट वो अनअफेक्टेड रहता है। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक वे है इम्यूनाइजेशन का या वैक्सीन्स का। वैक्सीन में क्या होते हैं, जो भी वायरसेस या बैक्टीरिया होते हैं उस डिजीज़ के, उसको वीकेंड करके एंटर कराया जाता है बॉडी में, और जिसके अकॉर्डिंग या जिसके अपोजिट क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बन जाती है। वो एंटीबॉडीज़ क्या करती है, उस एंटीजन से या उस कोई भी बैक्टीरिया वायरस से अपन को सेफ रखती है ना, क्योंकि अपना इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत ही मेमोराइज रखता है इस चीज़ को या इंसिडेंट को, कि अगर फ्यूचर में भी ऐसा एंटीजन बॉडी में इंटर होता है तो उसके अगेंस्ट बहुत सारी पहले से ही एंटीबॉडीज़ बनी हुई होती हैं जो उस इन्फेक्शियस डिजीज़ को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करने देती, चाहे वो कितना ही वायरस इफेक्ट क्यों ना हो, या वायरस या बैक्टीरिया क्यों ना हो, लेकिन वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन की वजह से जो अपना इम्यून सिस्टम है वो उसको बिल्कुल भी अनअफेक्टेड रहने देता है। ठीक है, तो ये प्रिवेंशन है, प्रिंसिपल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन है। इसके बाद कुछ कोई भी टारगेट ऑर्गन है जिसमें कोई भी, मतलब अपन कह सकते हैं कि वेक्टर क्या है और कौन सा ऑर्गन है वो उसको टारगेट कर रहे हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।